दोस्तों, भारत के हर घर में पाया जाने वाला ये करी पत्ते के फूल, ये किस काम आते हैं? बहुत सारी इसमें लोगों को जिज्ञासा रहती है, तो इस वीडियो में हम 2 मिनट में बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत करेंगे। करी पत्ता किस काम आता है, इसके फूल किस काम आते हैं, यह उपयोगी है, इसके कितने नुकसान हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मल्टीविटामिन और फ्लेवोनोइड जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों से यह भरपूर पौधा होता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, परंतु इसके गलत उपयोग करने से इसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आमतौर पर धारणा है कि पेट के रोगों के लिए इसका उपयोग होता है, तो इसलिए लोग इसके 5-6 पत्ते खा लेते हैं। ये डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं, परंतु इससे अधिक अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको किसी भी जानकार से सलाह लेकर ही करना है, क्योंकि इस पौधे में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह ब्लड शुगर को बहुत स्पीड में कम करेगा और बहुत सारी समस्या को पैदा कर सकता है। तो खैर, ये जो बातें हुई, यह इस पौधे के लाभ के बारे में बातें हुई, नुकसान के बारे में बातें हुई। यह पौधा बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट होने वाला पौधा होता है, अगर कहीं ज़मीन में लगाया है तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी मिट्टी में यह प्रोपोगेट हो जाता है। परंतु यदि आपने कंटेनर या गमले में, जैसे कि हमने ये देखिए ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो इस पौधे की मिट्टी, कोई सी भी मिट्टी तो आप रख सकते हैं, परंतु वहाँ से जल निकासी की जो समस्या होती है, पौधे में रुकना नहीं चाहिए, वो वेल ड्रेन्ड गमला होना चाहिए। और इस पौधे को आप इसके जड़ों के पास से बहुत सारे पौधे और निकलते हैं तो वहाँ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इसे बीज से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो यह पौधा बहुत हर घर में, इसे रसोई में उपयोग किया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। दक्षिण भारत में तो बहुत ही पॉपुलर पौधा है इस पौधे की, जो इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एसिडिटी या बदहजमी या पेट की किसी समस्या के लिए आमतौर पर उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो अब तीसरी चीज़ इसके बारे में शॉर्टकट में बता देते हैं कि किस काम आते हैं। तो इस पौधे में जो फूल लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद गुच्छों में ढेर सारे फूल लगते हैं, तो लोगों को जिज्ञासा रहती है कि इसके फूल भी किसी काम आते होंगे, परंतु इस पौधे के फूल किसी काम में नहीं आते हैं। इस पौधे के फूल सिर्फ बीज उत्पन्न करने के लिए ही लगते हैं। अगर आपको इसी पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है तो इस फूल को काट कर अलग कर दीजिए, और अगर आपको बीज यहाँ से तैयार करने हैं, नए पौधे और मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसे इसी तरह बने रहने दीजिए, यहाँ से आपको नए बीज बनेंगे। और काट देने से पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। इस पौधे को खाद कोई सा भी आप अगर देंगे, नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद दे देंगे, तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसमें अगर खट्टा दही आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो संक्षिप्त में आज इतना ही। आपको करी पत्ते के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।